फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने सैमसंग के मोबाइल में ब्लूटूथ ईयरबड्स को कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर कनेक्शंस का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन दिख जाता है वाईफाई के नीचे, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा जो ब्लूटूथ ईयरबड्स है कनेक्ट है, हमें इसे डिस्कनेक्ट करना है। तो गाइस, हमें इसे डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन दिख जाता है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिख जाता है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं, हमारा जो ब्लूटूथ ईयरबड्स है डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।